हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ TVS Raider। जी हाँ दोस्तों, TVS का Raider 2023 मॉडल E20 वर्जन में, और इसकी ऑन रोड प्राइस गिरिडीह में 1,17,000 रुपये के आसपास। तो अगर आप गिरिडीह के आसपास रहते हैं तो आप आ सकते हैं CL TVS में। यहाँ पे आपको ये 1,17,000 रुपये में मिल जाएगी और आप इसे ऑन रोड घर ले जा सकते हैं। तो बात करते हैं 1,17,000 में TVS कंपनी आपको ऑफर क्या कर रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं TVS Raider की, जो आजकल काफ़ी छाई हुई है 125cc के सेगमेंट में। तो सबसे पहले आपको इसमें इंजन की बात करें तो 124.8cc का इंजन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। E20 कंप्लायंट है, यानी 20% एथेनॉल और 80% में पेट्रोल के मिक्सर में चल सकती है ये बाइक। OBD2 नॉर्म्स के साथ आई हुई है। और पावर की बात करें तो 13.1 किलोवाट का पावर एंड 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये आपको दे सकती है। तो काफ़ी अच्छा पावर, अच्छी टॉर्क इसमें आपको देखने को मिलती है 125cc के सेगमेंट में। तो अब बात करते हैं इसके अदर फीचर्स की। तो सबसे पहले इसके फ्रंट सेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रंट से देखने से कुछ ऐसी सी दिखेगी। यहाँ पे आपको TVS का लोगो देखने को मिल जाता है नंबर प्लेट माउंटिंग की जगह। यहाँ पे आपको Raider का लोगो जो है R डिज़ाइन में देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके हेडलाइट की। तो यहाँ पे आपको LED हेडलाइट देखने को मिलता है जो कि आइस की शेप में है, और ये है अपर बीम, लोअर बीम, और ये DRL आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे हम इसे की ऑन करेंगे तो ये DRL आपका ऑन हो चुका है। एक खूबसूरत डिज़ाइन में आपको यहाँ DRL देखने को मिल जाते हैं। और अब बात करते हैं इसके साइड इंडिकेटर की, तो आपको हेलोजन ही देखने को मिल जाते हैं। मड गार्ड की बात करें तो ये आपको यहाँ पे रेड कलर में बाइक है रेड कलर में, तो यहाँ पे आपको रेड कलर के मड गार्ड देखने को मिल जाते हैं, जो कि फुल्ली रेड नहीं है, आधी रेड है, आधी आपको ब्लैक देखने को मिल जाती है। तो अब बात करते हैं इसके ब्रेक सेक्शन की। तो यहाँ पर आपको डिस्क वर्जन है। ये बाइक भी जो है 3 मॉडल में आती है, यानी एक सिंगल सीट, स्प्लिट सीट और एक स्मार्ट कनेक्ट। तो स्प्लिट सीट ये मॉडल है, तो इसमें भी आपको 2 वर्जन देखने को मिलते हैं, एक है डिस्क वर्जन और दूसरा है ड्रम वर्जन। तो यहाँ पे आपको 240mm का फ्रंट डिस्क देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं इसके टायर की, तो यहाँ पे आपको 80x100 का टायर देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे है 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ, और अलॉय व्हील्स में आपको टिप्स वगैरह देखने को नहीं मिलती है। टायर जो है वो आपको ट्यूबलेस देखने को मिल जाते हैं इसमें। और बात करते हैं इसके टेलीस्कोपिक फॉक्स सस्पेंशन की, तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फॉक्स सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हुए हैं बात करते हैं इसके इंजन खाउलिंग की, तो यहाँ पे आपको रेड कलर में इंजन खाउलिंग देखने को मिल जाती है। ब्लैक कलर में आपको एग्जॉस्ट यहाँ से निकला हुआ दिखाई दे सकता है, जहाँ पर कवर लगा हुआ है। काफ़ी मैट फिनिश के साथ लुक आ रहा है इसका। यहाँ पर आपको इंजन में TVS का लोगो देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी सीट की, तो यहाँ पर आपको हॉस का लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि सिल्वर कलर में आपको यहाँ पर मिलता है। और डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में आगे निकला हुआ टैंक नज़र आता है, बाकी आपको टैंक यहाँ पे रेड कलर का नज़र आता है। यहाँ पे आपको TVS इंटेलीगो का लोगो मिल जाता है। यहाँ पे आपको अगेन Raider का लोगो देखने को मिल जाता है। ग्राफिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एग्जॉस्ट की बात करें तो एग्जॉस्ट यहाँ से यहाँ तक निकला हुआ है। यहाँ पे आपको सिल्वर कलर के एग्जॉस्ट में कवर देखने को मिल जाता है, मफलर कवर। पिलियन फुटरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। स्प्लिट सीट मॉडल है, तो आपको यहाँ पे स्टेप अप स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है, तो काफ़ी कुशन सीट है। अब बात करते हैं इसके रियर सेगमेंट की, तो यहाँ पे आपको 100x90 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। और ब्रेक की बात करें तो 130 सिंक्रो ब्रेक आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके रियर सेक्शन की, तो यहाँ पे आपको पिलियन ग्रैब रेल बार देखने को मिल जाता है। और LED टेल लाइट की बात करें तो यह आपको एक शानदार डिज़ाइन में टेल लाइट देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है, और ये हल्का सा निकला हुआ यहाँ पे आपको TVS का लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको की होल मिल जाता है, जो आप सीट खोल सकते हैं यहाँ से। इंडिकेटर अगेन आपको हेलोजन देखने को मिल जाता है, नंबर प्लेट माउंटिंग की जगह, लाइट। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड, फुटरेस्ट एंड विलन फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है। अगेन यहाँ आपको Raider का लोगो देखने को मिल जाता है। और अब गियर की बात करते हैं, तो आपको इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो कि एक नीचे बाकी सारे ऊपर हैं। तो यहाँ भी आपको TVS का लोगो देखने को मिल जाता है। अगेन आपको यहाँ पे हॉर्स का लोगो देखने को मिल जाता है सिल्वर कलर में, और FI का लोगो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके कॉकपिट की, तो सबसे पहले इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल की बात करते हैं। तो जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं तो इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल कुछ ऐसा सा दिखता है आपको। यहाँ पर आपको मिलता क्या है, तो सबसे पहले आपको डिजिटल टैकोमीटर देखने को मिल जाता है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको फ्रंट में हॉर्स का लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि TVS की पहचान है। टैकोमीटर डिजिटल, स्पीडोमीटर, क्लॉक, गियर इंडिकेटर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। जैसे ही मैं एक नंबर डालूँगा, ये 2 नंबर आप देख सकते हैं, गियर इंडिकेटर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर आपको ट्रिप मीटर देखने को मिल जाता है, ऑडोमीटर, फ्यूल इंडिकेटर,
और क्लॉक तो मैं बता चुका हूँ, तो ये सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। हम बात करते हैं इसके लेफ्ट हैंडल बार की, तो यहाँ पे आपको क्लच देखने को मिल जाता है, पासिंग लाइट मिल जाती है, अपर बीम लोअर बीम का बटन देखने को मिल जाता है, साइड इंडिकेटर का बटन देखने को मिल जाता है, हॉर्न का बटन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंडल बार, ये है राइट हैंडल बार, तो यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टार्टर देखने को मिल जाता है। अगेन आपको यहाँ पे किक नहीं मिलती है, सिर्फ इलेक्ट्रिक स्टार्टर देखने को मिलता है। तो करते हैं इसे स्टार्ट, गाइस आप तो एग्जॉस्ट साउंड सुन चुके हैं। तो ये थी TVS Raider E20 2023 मॉडल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही न्यू बाइक्स के बारे में जानना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू गाइस।